शिक्षक ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, शिक्षक जाएंगे तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो सकती है। अभी स्कूल बंद है क्या, तो स्कूल आप लोग फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पर हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, स्थिति समान होने के बाद और उच्च पदाधिकारी के आदेशानुसार जो आदेश मिलेगा वैसा करें। समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बिशनपुर में छात्रों के बीच हुई मारपीट के बाद छात्र की हुई मौत से विद्यालय में पठन पाठन बिल्कुल बंद है और इस विद्यालय में नियुक्त शिक्षक व शिक्षिका BRC पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विगत 5 दिनों से उक्त विद्यालय में न बच्चे आ रहे हैं न ही शिक्षक ग्रामीणों के डर से विद्यालय जा रहे हैं। इधर समस्तीपुर टाउन मीडिया द्वारा DO कामेश्वर प्रसाद गुप्ता को जब जानकारी दी गई तो उन्होंने BO से मामले की जानकारी ली। DO ने उन्हें अविलंब सदर SDO व BDO को पूरे मामले से अवगत कराते हुए पत्राचार कर विद्यालय में पठन पाठन शुरू कराने का अनुरोध करने को कहा है। इधर कुछ शिक्षकों ने बताया कि घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, आक्रोशित ग्रामीण विधि व्यवस्था को भी भंग करने का प्रयास करते हैं। बीते 16 अक्टूबर को मध्य विद्यालय विशनपुर में लंच के दौरान आपसी विवाद को लेकर 7वें कक्षा के अमरनाथ का 5वें कक्षा के रिंकू कुमार के साथ झगड़ा हो गया था। देखते ही देखते यह मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों बच्चे स्कूल के बाहर सड़क पर आकर झगड़ने लगे और मारपीट करने लगे। इस घटना में छात्र अमरनाथ बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। HM द्वारा अमरनाथ को स्कूल के कैंपस में लाया गया व इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। घायल छात्र को गांव के ही एक ग्रामीण चिकित्सक के यहां लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वह सभी शिक्षकों को बंधक भी बना लिया था। बाद में स्थानीय थाना व प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मृतक छात्र के पिता के पहुंचने पर रात 1 बजे मृतक छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं अब तक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार ने आवेदन भी नहीं दिया है। हम तो जा रहे थे बाहर, फोन आया जो ऐसे हमारे अमरनाथ पुत्र को मार मार हत्या कर दिया गया। प्रशासन आया, A to Z वाला जो कि अभी ले जाएंगे मेडिकल के लिए, उस पर रोका गया। रोकने के बाद जब हम 12 बजे रात को पहुँचे हैं तो वो बात बोले जो कि प्रतिक्रिया के लिए पोस्टमार्टम में जाना ज़रूरी है, तो भी बात हम मान लिए। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई वो नहीं है, कह रहे हैं पहले आपस में आप अपना देख लीजिए क्या करना है, उसके बाद जो भी होगा हम एक्शन लेंगे। किसी ने धमकाया भी जा रहा है जो कि कुछ नहीं होता है, प्रशासन प्रतिक्रिया से 1 महीना 10 दिन जेल होगा और फिर छूटी जाएगा और आपको कुछ नहीं होने। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो कि हमारे साथ जो नाजायज हुआ है बच्चों के साथ, हम हर हाल में सरकार से आग्रह करते हैं कि जो इसमें निर्दोष है उन्हें सजा मिले, हम यही संतुष्ट होंगे और कुछ नहीं चाहते ज़्यादा। हम आपकी तरफ से कोई आवेदन दिया गया था? आवेदन अभी हम नहीं दिए हैं, हमें रोका गया है, जो आवेदन अभी मत दीजिए। और दूसरा, कौन रोके? रोका नहीं है लेकिन मतलब आपस में हमारा स्थिति देख के, अच्छा, हम अपना संतुलन में नहीं है तो इसलिए आवेदन हम नहीं दिए हैं। और जैसे हमारा 1-2 दिन में सहूलियत होती है, हमारी वाइफ की हालत ऐसी नहीं है जो कि पैर को खड़ी भी हो जाए, इस चीज़ को देखते हुए हम अभी आवेदन नहीं दिए लेकिन आवेदन देंगे। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार राय। देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि लोगों से मिले हैं, बात कर रहे हैं कि विद्यालय हमारा खुल जाए, प्रशासन को भी लिख के दिए हैं। तो क्या परेशानी हो रही है वहाँ पे अभी? वहाँ शिक्षक ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है, शिक्षक जाएंगे तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो सकती है। पर मध्याह्न भोजन का टाइम था, गेट के बाहर में बच्चे आपस में खेल खेल में झगड़ा हो गया। वही 5वीं के बच्चे जो है 7वीं बच्चों को जो है कुछ मारपीट हो गई, उसी में बच्चा बेहोश हो गया
हम लोग दौड़े और बच्चा को पानी में चिटका दी, हम लोगों को हुआ जो खींच आ गया होगा। इसके बाद जो है सो बच्चों को फिर ठंडा में लाए देखे, फिर सभी शिक्षक मिल करके वहाँ पर जो नियंत्रण था गार्जियन को टेलीफोन करना, टेलीफोन किए, फिर एक टेम्पो वाले को बुलाए, टेम्पो के सहारे जो है सो उसको हॉस्पिटल चाहते थे जो दूसरा अनुमंडल अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ आदमी वहीं उनके परिवार के जो सदस्य थे वो लक्ष्मी सिंह के ले गए। वहाँ पर उन्होंने जांच करने के बाद जो है समस्त घोषित कर दिए। फिर आकर के सभी ग्रामीणों ने बच्चों को स्कूल के कैंपस में रख करके हमने हंगामा शुरू कर दिए, हम लोगों को बंधक बना लिया गया। कितने देर बाद जो है आप लोगों को छोड़ा गया? हम लोगों को लगभग 1:30 बजे रात में जो है पुलिस बल उनके साथ अच्छा। हम लोगों को थाना लाया गया और थाना पर हम लोग रुके, PR बंद भर के हम लोगों को छोड़ा गया। अभी स्कूल बंद है क्या? तो स्कूल आप लोग फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पर हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, स्थिति समान होने के बाद और उच्च पदाधिकारी के आदेश अनुसार जो आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। क्या घटना क्या स्थिति है? 16 अक्टूबर का घटना है, दो बच्चे के बीच मारपीट के क्रम में एक बच्चा का मृत्यु हो गया, ठीक है। उन्हीं की वजह से मतलब स्कूल आज 4-5 दिनों से बंद है, ठीक है। हम लोगों का कहना है जिन जो कोई भी गलती किए हैं उन पर उचित कार्रवाई करते हुए विद्यालय का मतलब संचालन होना चाहिए। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या पहल हो रहा है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मतलब ऐसा सूचना कोई पहल नहीं किया। कोई शिक्षक आते हैं यहाँ? शिक्षक कोई नहीं आते हैं। तो ऐसा है कि आप लोगों के द्वारा जो यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो धमका रहा है कि जो है आएंगे शिक्षक भगा देंगे, ऐसा कुछ ऐसा कोई मतलब कुछ नहीं, इधर से कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि मतलब मान लीजिए कोई धमकी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखा गया है ग्रामीणों की तरफ से। ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण चाहते हैं कि स्कूल का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या हुआ था और अभी क्या हाल स्थिति है? दो बच्चों में मारपीट हुई थी लंच के टाइम में, ए भैया, और उसमें एक बच्चा जो है हत्या हो गई। अच्छा, हम लोग का अफसोस है, उसका जिनका लड़का है उसका तो जिंदगी गुजर गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के तरफ से कुछ उनको मुआवजा दे के और स्कूल तो चालू होना चाहिए। और क्या कहेंगे? तो प्रशासन के तरफ से क्या? कुछ नहीं, प्रशासन आ ही नहीं रहा है। शिक्षक उस दिन के बाद आए? नहीं, नहीं, क्यों नहीं आ रहे शिक्षक? अब पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो हम क्या बतावे। वो तो शिक्षक थाना अध्यक्ष लिख रखे हैं, इसको सुरक्षा हम रखे हैं, कल कर दिया है कि हम मुक्त कर दिए। आप लोगों से उसको शिक्षकों को डर है क्या? नहीं नहीं, अब क्या बात है, नहीं है, लेकिन हम लोग के तरफ से शिक्षक और किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे अफसोस में है। क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो कि अब जिनका लड़का था वो तो गुजर उनका जिंदगी गुजर गया, तो सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलना चाहिए और स्कूल तो संचालित होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राम सागर दास।